गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे काठमांडू से जनकपुर, और जनकपुर वो जगह है जहाँ भगवान श्री राम जी का ससुराल है एंड सीता मैया के जो मायका है वो अभी भी वहाँ में स्थित है जनकपुर में। एंड हम लोग वहाँ में जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा जर्नी हम आपको दिखाएंगे एंड जनकपुर मंदिर का दर्शन भी कराएंगे। तो गाइस हम लोग हैं अभी जनकपुर में। मेरे पीछे देखिए जनकपुर धाम, ये है सीता माता के घर और राम जी का ससुराल। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, घूमने आए हैं। और अभी देखिए इधर है जहाँ पर राम और सीता जी की शादी हुई थी। तो चलिए गाइस अंदर जाते हैं, क्या है देखते हैं। जनकपुर वासी या अयोध्या वासी, बीच में राम सीता, राम सीता को काका काके सब पिछड़ती हैं। विवाह भाई को मंडप में हो गए जनकपुर वासी, और राइट साइड में हो गए अयोध्या वासी का, और बीच में भगवान श्री राम एंड माता सीता। ये है पूरा राम जी का जो जहाँ में ब्याह हुए थे, ये अंदर का लोकेशन। एंड पूरा मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आगे। कितना 100 का कितना जोड़ी 100 का कुर्ती। तो गाइस देखिए कितना सुंदर सुंदर है यहाँ पर चूड़ियाँ। तो मैंने ये ले लिया गाइस, बहुत सुंदर है। अभी हम लोग हैं जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के सामने। अभी पीछे देखिए जानकी मंदिर, बहुत ही सुंदर जानकी मंदिर। एंड हम लोग कभी यहाँ से
अभी जो राम जी का और सीता मैया की जो विवाह भवन है अभी वहाँ से आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अभी बाहर से पूरा भजन कीर्तन का पूरा, कल से आए हम, पूरा 24 घंटा भजन कीर्तन का ही आवाज़ सुने। अभी जाके देखते हैं अंदर का माहौल, तो वीडियो में बने रहिए। करके जनकपुर धाम में अखंड मानस का पाठ करवाया 24 घंटे का अखंड मानस पाठ, जहाँ भगवान राम की ससुराल है, माता जानकी जी का प्रादुर्भाव जन्म हुआ। ऊपर से पूरा फूल फेंक रहे पूरे मंदिर के चारों ओर, क्योंकि आज छठ पूजा भी है यहाँ में, तो छठ पूजा कहीं हम लोगों के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन ये मंदिर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक।